2025 में मुख्यमंत्री बताइए तेजस्वी को, उसके बाद आसन खोलिए, हम भी उस आसन में आपके साथ जाएंगे। उसको बिहार में आजादी के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण से लेकर नीतीश कुमार तक कुल 23 राजनेता मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन राजनीति में परिवारवाद की गंभीर बीमारी के बाद भी राज्य के किसी सीएम का बेटा या बेटी अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। वैसे तो बिहार की सियासत में उथल पुथल कोई आम बात नहीं है, लेकिन अभी के दौर में बिहार की सियासत हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम में अपनी जगह बनाए हुए है। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके बीजेपी नेता सुशील मोदी लगातार कह रहे हैं कि लालू ने नीतीश को फंसा लिया है और वो कभी भी जेडीयू के 4-5 विधायकों को तोड़कर अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। सुशील मोदी की इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पूरे बिहार और देश में ये चर्चा तो बेधड़क चल रही है कि अगर नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बन पाते हैं तो तेजस्वी की बतौर सीएम ताजपोशी हो सकती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 लोकसभा की रणनीति बनाने में लगे हैं, वहीं राजद नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को तेजस्वी को सत्ता सौंप देने की बात कही है। 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी को, उसके बाद आसन खोलिए, हम भी उस आसन में आपके साथ जाएंगे। इसी क्रम में शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को आश्रम खोलने और वहां राजनीतिक प्रशिक्षण देने की सलाह भी दी है। शिवानंद तिवारी के द्वारा नीतीश कुमार को आश्रम चले जाने की सलाह देने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इस पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा, बाबा नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं, करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर रहते हुए बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों की सेवा करते रहें। मुझको लगता है कि आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए।